और बड़ा सवाल, 123 मौतों पर क्या बोला है सरकार, हम आपको दिखाएंगे। चार दिन बाद यह शख्स सामने आया है और आने के बाद हाथरस हादसे में जो चार दिन बाद इसने अपनी चुप्पी तोड़ी है वो मैनपुरी के ही आश्रम में छिपा हुआ था। सरकार ने कहा कि उपद्रवियों को छोड़ा नहीं जाएगा और वो मृतकों के परिजनों के साथ है, लेकिन एक रटी रटाई स्क्रिप्ट पर बोला है सरकार, बहुत ही नफातुला बयान। और जाहिर सी बात है कि वकील की ओर से तैयार किया गया यह बयान उसने कैमरे पर आकर के पढ़ दिया है। उपद्रवी बख्शे नहीं जाएंगे, पहली बार बोला है बाबा साकार हरि। ये नहीं बोला कि उसके सेवादारों की जो गलती हुई थी, 123 लोगों की जो मौत हुई है, उसके पीछे आखिरकार जिम्मेदारी किसकी है। गलती स्वीकार नहीं की है, 80,000 की जगह 2.5 लाख लोग जो पहुंचे उसको लेकर के चुप्पी नहीं तोड़ी है। एक रटा रटाया बयान दे करके कहीं ना कहीं कानून के पंजे से बचने की कोशिश। इन सबके बीच सवाल ये भी है कि जिस तरह से वो अपने वकील के जरिए ही अपने लोगों से भी संवाद कर रहा है, यानी बुरी तरह से डरा हुआ है साकार हरि। आपको सुनाते हैं उसका बयान। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। हम 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन तो अपने ही जय जयकार से यह शख्स अपने बयान की शुरुआत करता है और बिल्कुल तोल करके ऐसा लगता है कि एक भी शब्द एक्स्ट्रा नहीं बोलना चाहता था। उसके वकील ने जो उसे स्क्रिप्ट दी थी वो उसने पढ़ दी और सामने खुद को यहां पर पूरी तरह से पाक साफ दिखाने की कोशिश की है। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें, हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। दिवंगत आत्माओं के परिजनों एवं इलाजरत घायलों के साथ जीवन पर्यंत तन मन धन से खड़े रहने का आग्रह किया है, जिसको सभी ने माना भी है। सभी इस जिम्मेदारी को निभा भी रहे हैं। और इस बड़ी खबर पर हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नीतीश पांडे जो कि मैनपुरी के उसी आश्रम के बाहर से मौजूद है जहां पर हमने शुरू से डे वन से अपने दर्शकों को बताया था कि यहीं पर आया था साकार हरि और बाहर नहीं निकला है। हमारे सहयोगी नीरज गौड़ भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश, अगर बात की जाए, जी न्यूज इकलौता ऐसा चैनल था जो शुरू से कह रहा था कि मैनपुरी के उस आश्रम के अंदर ही साकार हरि मौजूद है, प्रशासन को खबर क्यों नहीं लगी, यह हम आपसे आगे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले उसके बयान को डिकोड करें, क्या मैसेज देने की कोशिश की है उसने? मैसेज देने की कोशिश साफ तौर पे यह है कि बाबा अपने भक्तों के प्रति बहुत चिंतित हैं और अब आगे जो कार्रवाई होगी उसका पूरा सहयोग करेंगे, ये संदेश देने का प्रयास है। लेकिन हुजूर आते आते बड़ी देर कर दी है क्योंकि भक्तों का विश्वास अब उठने लगा था। हालत ये थी कि लोग ये कहने लगे थे कि बाबा अपने भक्तों के प्रति पूरी तरह से संवेदनहीन है, अब संवेदनशीलता दिखाते हुए सामने आए हैं और देखना ये होगा कि प्रशासनिक तंत्र अब बाबा के साथ आगे क्या करता है। क्या अब भी प्रशासनिक तंत्र यही मानता है कि बाबा अंदर मौजूद नहीं है? जिस तरह से जी न्यूज़ की पड़ताल सटीक सिद्ध हुई है उससे अब पूरी तरह से हर बात पर मुहर लगती हुई देखी जा रही है। बाबा इसी आश्रम के भीतर मौजूद है, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये देखिए ये गेट नंबर 1 है और यहाँ पर आपको हम पहले भी पहुंचे थे और हमने ये दावा किया था कि बाबा इसके अंदर ही मौजूद हैं, क्योंकि बाबा को अंदर आते लोगों ने देखा था, बाहर जाते नहीं देखा था। तो बाबा अंदर थे और यहाँ का पुलिस तंत्र अंदर जाता था लेकिन उन्हें बाबा नहीं मिलते थे। अब क्यों नहीं मिलते थे ये तो पुलिस और प्रशासन का तंत्र जाने। क्या बाबा से पूछताछ करना जरूरी नहीं समझा गया ये पुलिस तंत्र जाने। क्या पुलिस जहां पर घटना होती है वहां पर अपना नेटवर्क कमजोर पाती है ये भी जवाब नहीं है पुलिस
पुलिस के पास, तो ये भी पुलिस जाने। इसके अलावा अगर बात करें तो जिस तरह से बाबा का बयान सामने आया है, अब बाबा खुद को बचाते हुए और कहीं ना कहीं अपने भक्तों के प्रति संवेदनशीलता को व्यक्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो अब देखना यह होगा कि बाबा आगे किस तरह से संवेदनशीलता दिखाते हैं और भक्तों। ठीक है, अब जब बाबा साकार हरि सामने आ चुके हैं नीरज गौड़, तो वहां पर किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है, क्या कोई हलचल बड़ी है? तस्वीरें भी दिखाएं और बताएं। देखिए चंदन, मैं जो कि गेट नंबर 2 है यहां पर मैं मौजूद हूं, क्योंकि जी न्यूज पहले दिन से लगातार बता रहा है कि हादसे के बाद बाबा जो है वो इसी आश्रम में आकर के उसकी जो लोकेशन थी वो मिल रही थी। उसके बाद में पुलिस की टीम पहले दिन से ही यहाँ पर पहुंची हुई है, पूरा जो आश्रम है इसको पूरा घेर रखा है, इसके आसपास का जितना भी एरिया है, इसकी जो भी दीवारें हैं चारों तरफ, वहां पर पुलिस का लगातार 24 घंटे पहरा है। अब जिस तरीके से बाबा मीडिया के सामने आया है और मीडिया के सामने आकर के वो पूरी घटना को लेकर के संवेदना व्यक्त कर रहा है, लेकिन उसका चेहरा अगर आप देखेंगे तो उसके चेहरे पर किसी भी तरीके से 123 लोगों की जो मौत हुई है उसको लेकर के कोई शिकन नहीं है। अब सवाल यह है कि आखिरकार में 4 दिन बाद बाबा क्यों सामने आकर के अपनी सफाई पेश कर रहा है, क्योंकि यूपी पुलिस की टीम लगातार उसका पीछा कर रही थी, उसकी तमाम जो लोकेशंस उनको मिली थी वहां पर जाकर के रेड्स की थी। जब बाबा आखिरकार नहीं मिलता है तो सुई आकर के जो जी न्यूज लगातार बता रहा था कि मैनपुरी के इसी आश्रम में बाबा हो सकते हैं, तो उसके बाद उसकी लास्ट लोकेशन जो है बाबा की। नीतीश, क्या किसी तरह की संवेदनाएं थी या फिर कुछ जो और चीजें हुई हैं उसकी वजह से इस शख्स ने सामने आने का? और इस वक्त की एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, मैनपुरी में छिपा है बाबा। जी न्यूज ने सबसे पहले बताया बाबा की लोकेशन को, सबसे पहले हमने किया था ट्रेस। मैनपुरी आश्रम में बाबा ने अपना हाइड आउट बताया था और जी न्यूज की नजर से लेकिन बच नहीं पाया साकार हरि। जी न्यूज जिसने वन से ये बताया था कि बाबा इसी आश्रम में मौजूद है, लगातार हम इस व्हाइट हाउस जैसे महल नुमा आश्रम की तस्वीरें भी दिखा रहे थे और ये भी बता रहे थे कि इसी के अंदर छिपा हुआ हो सकता है बाबा, वही खबर सच साबित हुई है। कल सुबह 11 बजे के करीब हमने पुख्ता तौर पर आपको बता दिया था कि अंदर ही है बाबा, क्योंकि पुलिस की जिस तरह से बाहर तैनाती की गई थी उसके बाद एक चीज साफ हो गई थी कि पुलिस यहां पर निगरानी नहीं कर रही है बल्कि पूरी तरह से सुरक्षा देने की कोशिश कर रही थी साकार हरि को। कल ही मैनपुरी में बाबा साकार हरि के आश्रम के बाहर जी न्यूज संवाददाता नीतीश पांडे ने बताया था कि बाबा मैनपुरी आश्रम में ही है, लेकिन वहां मौजूद सेवादार कुछ भी नहीं बोल रहे थे। आज मीडिया के सामने आकर बाबा ने अपनी सफाई दी, जी न्यूज की खबर पर मुहर लग गई। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा। मैनपुरी स्थित आश्रम के बाहर देखने को मिलेंगे, और इतना ही नहीं, जो आश्रम की ओर आने वाला रास्ता है वहां पर आपको महिला पुलिस, इसके अलावा वहां पर सीओ, एसआई की 2 टुकड़ी, सभी वहां पर बाहर से मौजूद हैं और अंदर आने वाले पर सब पे निगाह, अपनी निगाहें रखे हुए हैं। पहले दिन जब हम लोग यहाँ पर पहुंचे थे तो यहाँ पर सेवादारों की मौजूदगी थी, धीरे धीरे सेवादार यहाँ से चले गए। अब हम जरा अंदर की भी तस्वीरें दिखा दें, अब एक बार आज अंदर की तस्वीरें और दिखाते हैं। पहले जो था वो आपको यहाँ पर सन्नाटा दिख रहा है इस समय, जो अब जो स्थितियाँ हैं वो हैं, आपको एक आध गाड़ियां दिखाई देंगे, ठीक है? और देखिए जो पुलिसकर्मी है ये अंदर मना भी कर रहे हैं कि बाहर से भी अब अंदर मत लीजिए, इतनी चौकस सुरक्षा व्यवस्था है कि कोई अंदर की भी तस्वीरें नहीं लगे। सर, अंदर की तस्वीरें हम बाहर से भी नहीं दिखा पाऊंगा भाई, कुछ भी नहीं बता पाएंगे अभी हम लोगों को। आप कह रहे हैं कि जैसे अंदर की तस्वीरें बाहर से भी लेना, मतलब कुछ नहीं बता पाऊंगा, कुछ नहीं बता पाएंगे। आपकी ड्यूटी तो लगी है ना, किस मद में, सुरक्षा देने के लिए या सुरक्षा व्यवस्था को बहाल करने के लिए? कुछ नहीं बता पा रहे, लेकिन सुरक्षा यहाँ पर मौजूद है और ये सुरक्षा इस बात का संकेत है कि बाबा अंदर मौजूद हो सकते हैं। ये सुरक्षा ही इस बात की गवाही दे रही है कि ये जो सुरक्षा कर्मी हैं, ये जो पुलिस कर्मी हैं, 24 घंटे सीना ताने आश्रम के बाहर खड़े हैं। आखिर ये सुरक्षा किसके लिए? यहाँ तो परिंदा भी पर नहीं मार रहा है।